जनता पार्टी फाइनली भाई लोग, सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 हो रहे हैं और फाइनली ट्रेन की वेट की जा रही है। पीछे देखो कड़कती वाली धूप है, पीछे घूमूंगा टैन हो जाएगा पीछे नहीं घूमना। सो ट्रेन की वेट हो रही है, ट्रेन आए तो फिर बैठते हैं। नरकटियागंज तक जाएगी, नरकटियागंज से फिर से हम ट्रेन चेंज करेंगे, फिर उसके बाद से अपना बस। चलो देखते हैं सफ़र कैसा होता है। फाइनली देखो भाई ट्रेन आ गई, फाइनली भाई लोग देखो नरकटियागंज भी आने वाला है। बार बड़ा हो गया हूँ, नरकटियागंज भी आ ही रहा होगा अभी, अपना 1 किलोमीटर की दूरी पे है। चलो देखते हैं, देन उसके बाद एक आदमी आएंगे बोल लेके, चलो देखते हैं फिर क्या होता है, कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली भाई लोग ये है नरकटियागंज स्टेशन, ट्रेन से मैं उतर आया, अब भैया देखता हूँ भैया कहाँ, देन उनके साथ चलते हैं आगे ट्रेन। फाइनली भाई लोग बस ट्रेन भी चलने वाली है कुछ देर में, और देख सकते हो अभी स्टेशन पे ही खड़ी है ट्रेन। लो भाई फाइनली रक्सौल आ गए, पीछे रक्सौल का ये देख सकते हो प्लेटफॉर्म है पूरा, और भैया भी साथ में ही है। फाइनली भाई 10:30 हो रहे हैं अभी, ये देख लो टाइम, ठीक है। सो क्राउड भी देखो है ठीक ठाक सी है, और भैया भी साथ साथ में चल रहे हैं हमारे, चलते हैं अब देखते हैं कैसे कैसे है। भाई साहब पब्लिक देखो कितनी ज़्यादा है, और तो और ये लास्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का रक्सौल का, ठीक है जी, देख सकते हो। उसके बाद हमारा नेपाल शुरू होगा इंटरनेशनल, जो सिम लिया था उसी के लिए काम आएगा। देखो चल रहे हैं बाहर जाने के लिए, बहुत रेयर ट्रेन आती हैं इधर, बहुत रेयर। रक्सौल देख लो भाई, ये रक्सौल है, ये रक्सौल है भाई साहब, ये देख लो खड्डे, और देखो खड्डे देखो, ट्रक कैसे जा रहे हैं उछल कूद के आ रहे हैं। ये हमारे रक्सौल का देख लो उछलना कूदना, मिट्टी तो भाई बहुत खतरनाक है। गोड़ूगा सुपर गोड़ूगा, देखो खड्डे जाकर फाइनली भाई रोड दिख गई इतनी खड्डों के बाद। देखो रोड देखी गई इतने खड्डे होने के बाद, देखो तब भी खड्डा दिखा। भाई लोग हम लोग भी नेपाल में घुस भी गए, लो बताओ पता ही नहीं चला कब घुस गए ये नेपाल में। हम लोग नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं भाई, ये नेपाल की रोड है देखो भाई। हुआ ये क्या था कि अपना मेन बॉर्डर पे रोक लिया गया चेक करने के लिए, मेरा मुंह ढका हुआ था एक्चुअली, मेरे को शक हो गया कि लगड़ा है अपना कुछ लफड़ा है, तो मैं नीचे किया बस और बैग चेक आउट किया, जाओ जाओ तो। भाई साहब ये बस स्टैंड है सुपर गोडूगा बस, भाई साहब ये वीरगंज का देख लो बोल लग गया, ये बस स्टैंड है, चलिए सही है, ये वीरगंज का बस स्टैंड है। अरे सुपर गोडूगा कहाँ मिला था कहीं हो, सुपर पतिराना। हेलो फाइनली बस के अंदर आ गए, ये देख लो ये बस है, ये देख लो पूरी पीछे बस है, और यह सामान है यहीं बैठेंगे कोई भी अच्छी वाली। फाइनली पहुंच गए, भैया ने पहुंचा दिया, सब भूख लगी पड़ी है यार, और ये कैसे खाना लेकर आए हूँ वही खाते हैं अब। और दूर देखो बस तब तक चलती है, 12:30 बजे तक आ गया, तो अभी टाइम हो रहा है 12:22 हो रहे हैं, चलो देखो कब तक चलती है बस। फाइनली भाई लोग हल्की सी बस बाहर निकल आई है अपनी जगह से, देख लो भाई साहब अभी हम लोग चौपुर में आ चुके हैं, पीछे देखो पूरा चौपुर है, भैया से पूछा भैया बोले चौपुर है ये, ठीक है। अब पता नहीं आवाज़ क्लियर आ भी रही होगी नहीं आ रही, भाई अंदर बैठे थक गया यार, ये तो बस इतनी छोटी है ना पैर नहीं आ पा रहे हैं, ऊपर से बड़ी मुश्किल से बैठ पा रहा हूँ अभी, बड़ी मुश्किल से निकला बाहर, पैर ही थक जा रहे हैं, देखो भीड़ अंदर। भाई साहब बाहर इतनी खतरनाक वाली धूप है ना भाई, लिटरली बता रही हूँ, ये कर्टन्स ना होते ना बहुत खतरनाक वाली धूप लगती। अब मुझको ये भी नहीं पता है कि आवाज़ क्लियर आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, क्योंकि हवा की भाई बहुत ज़्यादा होगी, आई नो सो सॉरी यार, अपना आवाज़ अच्छे से नहीं आ पा रही होगी, पर बस एकदम खचाखच भरी पड़ी है। 2 मिनट रुक जाओ दिखाता हूँ अच्छे से, यहाँ पे वही हाल है बैल बकरी वाला दिखाता हूँ अभी, अभी ये देखो ये भी मेन रोड पे चलती रहती हैं ऑन हाईवे, और
मेरे पीछे देख सकते हो यार, एक तो पाल खराब हो गए, पीछे देखो क्राउड कितनी ज़्यादा है, पूरी बस फड़ी पड़ी है, यहाँ आगे पब्लिक पूरी एकदम खड़ी पड़ी है। ये बोलो मुझे सीट मिल गई आराम से, बालों का एकदम बैंड बजा पड़ा है। चलो कोई बात, लोग यहाँ पेट्रोल पंप पे उतरे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पेट्रोल अपना बस में डीजल भरवा रहे हैं, पेट्रोल नहीं भरवा रहे, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। और बालों का बैंड बज चुका है, देख सकते हो भाई, बाल सेट कर लिए जाएँ। और पीछे डीजल है, पर ये पेट्रोल पंप है, इधर डीजल है, ठीक है। और पता नहीं आवाज़ सही आ भी पा रही है कि नहीं आ पा रही है। और भाई ये बाहर का नज़ारा देख लो, नेपाल का पीछे का व्यू देख सकते हो नेपाल का, ठीक है। सो फाइनली भाई अभी टाइम है, अभी आई मीन 49 किलोमीटर बचा हुआ है, सो 49 किलोमीटर के बाद फिर पहुँच ही जाना है, तब वहाँ पे देखते हैं क्या हिसाब है। पीछे देखो भाई सीनरी कितनी मस्त आ रही है, पीछे देख रहे हो कितनी मस्त सीनरी आ रही है भाई साहब, ये देख लो, रुको अरे यार रुको, ये डीजल का प्राइस है 170 रुपये पर लीटर भाई, 10,000 बना, 62 लीटर पड़ा तो 10,000 बना है भाई साहब, 170 कम होते हैं, वही नेपाली पैसे हैं ये, इसे इंडियन कर लेना, 1.5 से डिवाइड कर लेना तो आ जाएगा आंसर। भाई लोग फाइनली सिर्फ अपना 6 किलोमीटर बचा हुआ है फैक्ट्री, चलो फाइनली बस पहुंचने वाले हैं, शुगर है भाई। अभी टाइम हो रहा है अपना 5:40 हो रहे हैं इंडियन टाइम, और नेपाली टाइम इस टाइम हो रहा है 5:54। सो अभी बस कुछ देर में पहुंच जाना है, सुबह से निकला हूँ भाई, 12 घंटे हो चुके हैं सुबह की स्ट्रगल करने के टाइम, बाद में पहुंच जाना फाइनली। चलो वहीं पर कंटिन्यू करता हूँ भाई साहब, ये शुगर फैक्ट्री है देखो फाइनली, चलो चलते हैं अंदर भाई साहब। यहाँ देख सकते हो ये फैक्ट्री कैंपस है पूरा, ठीक है, उधर वर्कर्स रहते हैं, सुनने में जो यही आया है, आगे पता नहीं भाई, कंफर्मेशन नहीं है तो कंफर्म मत होना। अभी यहाँ से लेके उधर जाना है भाई साहब, सीन तो ठीक ही लग रहा है भाई, पहाड़ तो दिख नहीं रहे हैं भाई साहब। वॉक करने के लिए बाहर निकला हूँ, आई थिंक मुझे इन दोनों में से कहीं एक में मुझे मेरा वाला कमरा मिल जाएगा, अभी तो गेस्ट रूम में रुका हूँ। सो भाई पूरा जंगली एरिया है, झूला वूला लगे पड़े हैं यहाँ पे, कुछ नहीं झूलेंगे, कल मस्त फ्री फ्री होकर अच्छे सेटिंग वेटिंग कर लें, तब आराम से हो जाएगा, तब घूमा जाएगा। अभी चलते हैं थोड़ा सा घूम लें, वॉक अराउंड कर लें, 8 बजे डिनर मिलेगा, भिंडी बनी है यार एकदम, पता नहीं मेरा पिज्जा भिंडी और समोसे छोड़ते ही नहीं है भाई साहब। भाई लोग खाना खा लिया एकदम मस्त वाला, चलो सोते हैं, ठीक है, डाडा भाई वैसे भी कल मिलते हैं, थक गया यार बहुत ज़्यादा मस्त वाला, चलो।